में स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्दी ट्रिप में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए जॉर्डन फेस स्क्रब। यह फेस स्क्रब हमारे पास चार प्रकार के उपलब्ध है, जो है एप्रिकॉट स्क्रब, एलोवेरा स्क्रब, फ्रूट स्क्रब और चारकोल स्क्रब। चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें फेस स्क्रब क्यों करना चाहिए। स्क्रब करने से हमारे त्वचा के ऊपरी परत की डेड स्किन जो है वह पूरी तरह से हट जाती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए स्क्रबिंग करना बहुत ही लाभदायक है। स्क्रबिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाती है। इस प्रक्रिया के जरिए त्वचा की ऊपरी परत के डेड सेल्स को हटाने का काम किया जाता है। स्क्रबिंग के प्रोसेस को आसानी से घर पर ही किया जा सकता है। स्क्रबिंग करने से त्वचा संबंधी जो समस्याएं होती है, जैसे कि पिंपल एक्ने की समस्या या तो फिर दाग धब्बे या ऑयली स्किन की समस्या, इन सभी से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्क्रब की जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहला है एप्रिकॉट स्क्रब। यह स्क्रब एप्रिकॉट और एलोवेरा से तैयार किया गया है। एप्रिकॉट स्क्रब का इस्तेमाल चेहरे के काले दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है और यह चेहरे को नर्म एवं ताजा बनाता है। जिन लोगों की त्वचा पर बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे हैं या तो फिर पिगमेंटेशन है, झाई है, उन्हें इस स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए। यह उन्हें बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। दूसरा है एलोवेरा स्क्रब। इस स्क्रब में शामिल है एलोवेरा और सैंडल। इस स्क्रब का इस्तेमाल आपकी त्वचा से ऑयल को रिमूव करने का कार्य करते हैं। यह त्वचा के डैमेज सेल्स को फिर से रिपेयर करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। पिंपल, एक्ने और मुहासे को बढ़ने से रोकता है, त्वचा को क्लीन और हेल्दी बनाता है। जिनकी त्वचा बहुत ही ऑयली है और हमेशा पिंपल, एक्ने, मुहासे की समस्या होते रहती है, उन्हें इस एलोवेरा स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है जॉर्डन फ्रूट स्क्रब। यह स्क्रब तैयार किया गया है एप्पल और स्ट्रॉबेरी से। यह त्वचा की निष्प्राण कोशिकाओं को त्वचा से अलग करता है। यह त्वचा पर नए सेल्स का निर्माण करता है और त्वचा को इवन टोन देता है। त्वचा की रंगत पर सुधार लाता है और त्वचा को पोषण देता है। जिनकी त्वचा ड्राई है और हर समय त्वचा बेजान सी एवं रूखी दिखती है, उन्हें इस स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है जॉर्डन चारकोल फेस स्क्रब। यह स्क्रब एक्टिवेटेड चारकोल से तैयार किया गया है और यह आपकी त्वचा पर लगे पूरे दिन के धूल, मिट्टी एवं प्रदूषण को मैग्नेट की तरह खींचकर बाहर करता है और त्वचा को फ्रेश बनाता है। यह त्वचा के छोटे छोटे ब्लैकेट्स को रिमूव करने का कार्य करता है और त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। इसका इस्तेमाल त्वचा को प्रदूषण से प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों, यह था जॉर्डन फेस स्क्रब। तो चलिए जानते हैं कि इन स्क्रब के इस्तेमाल से हमारी त्वचा को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। जॉर्डन फेस स्क्रब का इस्तेमाल आपकी त्वचा को साफ बनाता है। यह आपकी त्वचा की अशुद्धियों को और ऑयल को रिमूव करने में मदद करता है। यह त्वचा की रोम छिद्रों में छुपी हुई गंदगी को साफ करता है और उसे क्लीन बनाता है। यह स्क्रब पूरी तरह से हर्बल होने के कारण त्वचा को कोमलता से साफ करता है और त्वचा पर नमी बरकरार रखता है, जिससे आपकी त्वचा ड्राई नहीं होती है। इस स्क्रब का इस्तेमाल आपकी त्वचा को ड्राई पैचेस यानी कि त्वचा की पपड़ी से बचाता है और त्वचा को किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचाता है। स्क्रब का इस्तेमाल आपकी त्वचा से डेड स्किन को पूरी तरह से हटाता है। डेड स्किन के कारण ही आपकी त्वचा थकी थकी, रूखी एवं बेजान लगती है। इस स्क्रब का इस्तेमाल आपकी त्वचा को फ्रेशनेस देता है। स्क्रब करने से त्वचा का निखार बढ़ता है और त्वचा साफ एवं जमा दिखता है। यह फेस स्क्रब त्वचा पर पिंपल, कील, मुहासों के बढ़ाव को रोकता है और त्वचा पर पड़े किसी भी प्रकार के दाग धब्बे एवं पिगमेंटेशन और झाइयों को साफ करने में मदद करता है। स्क्रब से त्वचा की ब्लैकहेड्स एवं व्हाइट हेड्स की समस्या से छुटकारा मिलता है। त्वचा की रंगत को साफ करने के लिए स्क्रब बहुत ही अच्छा तरीका है। यह त्वचा को इवन टोन देता है और त्वचा को गोरा बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह सारे बेनिफिट हमें जॉर्डन फेस स्क्रब से मिलते हैं।
आप अपनी त्वचा के जरूरत के हिसाब से इसमें से किसी भी फेस स्क्रब का चयन कर सकते हैं। जॉर्डन फेस स्क्रब ऑल स्किन टाइप है और आपके त्वचा के पीएच मान को बैलेंस करती है। तो यह थी जानकारी जॉर्डन फेस स्क्रब की। यह प्रोडक्ट पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हर्षिता आयुर्वेदिक हेल्थ एंड ब्यूटी केयर सेंटर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय टॉस।